दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दी रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब। सर जो कल यहाँ पर हुआ सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और अभी तक की क्या प्रोग्रेस हुई है? पिछले कल जो यहाँ पे एक कानून व्यवस्था संबंधी स्थिति जो उत्पन्न हुई है उस पर पुलिस और प्रशासन ने जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती थी वो की है और कुछ कार्रवाई अभी जारी भी है। पुलिस और प्रशासन ने इस घटना को बड़े सीरियसली लिया है और हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। आपके माध्यम से मैं उन लोगों को एक ये संदेश देना चाहता हूँ जिन्होंने शांति को भंग करने की कोशिश की है, वो अपनी हरकतों से बाज आएँ। उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी और हिमाचल जिसमें किसी भी सूरत में शांति को व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा। और सर अभी पिछले दिनों भी एक हिमाचल में सर्कुलर जारी हुआ था कि जो बाहर से आउटसाइडर्स आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, जो बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं और उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा? इस बारे में स्थानीय प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लिया है और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई बन पड़ेगी वो की जाए। और सर खालिस्तान के ऊपर जो टिप्पणी आ रही थी उन पर आपका क्या कहना? नहीं, उस विषय पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। लोकतंत्र के पक्षधर, अपराध रहित और देश प्रेम से प्रेरित नागरिक, जन एकता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी, जिला व खंड स्तरीय कार्यकारिणी और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए फेसबुक आईडी anilukd7@gmail.com और janektaparty.com या मोबाइल नंबर 7650894955 पर संपर्क करें। राजनीतिक रुचि व योग्यता रखने वाली युवा पीढ़ी विशेष आमंत्रित है।